हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी मनाते हैं। अचला सप्तमी को रथ सप्तमी, भानु सप्तमी, आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और उनको जल का अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन अगर भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से रोग दूर होते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य देव अपने साथ घोड़े वाले रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे और पूरी सृष्टि को प्रकाशित किया था, जिस कारण से ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी या सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। बता दें कि अचला सप्तमी आज यानी कि 27 जनवरी को प्रातः 9:10 पर शुरू हो चुकी है, जो कि कल 28 जनवरी शनिवार 8:43 पर रहेगी। अचला सप्तमी के स्नान मुहूर्त की बात करें तो वो सुबह 5:29 से लेकर 7:14 तक है। बता दें कि उदयातिथि होने की वजह से ये 28 जनवरी को मनाया जाएगा। अचला सप्तमी के दिन कहते हैं कि गंगा स्नान करने या पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने से, भगवान सूर्य की आराधना करने से जाने अनजाने में मन वजन पिछले जन्म के 7 पापों से मुक्ति मिलती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।